हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक भटनागर एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज यानी 21 जून इट्स ओकेजन ऑफ फादर्स डे। सो आज इस ओकेजन पे तो मैंने सोचा कि इस ओकेजन पे क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि वी कैन एंजॉय विद आवर फैमिली, विद आवर पेरेंट्स एंड विद फादर्स ऑब्वियसली। सो गाइस, आज की रेसिपी इटली के नाम यानी इन टुडेज वीडियो, टुडेज व्लॉग, वी गोना मेक व्हाइट सॉस पास्ता। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाइट सॉस पास्ता। सो सबसे पहले व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और ऑन अ मीडियम फ्लेम वी कंबाइन द इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर एंड रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा। सो अभी अच्छे से हमारा बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब भारी ऐसे इक्वल क्वांटिटी मैदा डालने की। सो ये गया पिघले हुए बटर के अंदर मैदा और इसका हम एक थिकनिंग एजेंट बना लेंगे। शेफ्स लैंग्वेज में इसको कहते हैं रू, ROUX, इसे हम कहते हैं रू, ROUX, एक्स साइलेंट होता है। सो गाइस, यहाँ पे हमारी रू तैयार है, नाउ कीप इट असाइड। अब इसे हम रख देंगे साइड में। सो यहाँ पे एक मैंने पैन लिया, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ करीबन 1 लीटर दूध और अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से बॉयल। सो गाइस, मीनवाइल जब तक कि हमारा दूध गर्म हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक लिए पील्ड अनियन। अब इसके ऊपर मैं ऐसे एक तेज पत्ता ले रहा हूँ एंड वी गोना पियर्स इट इन अनियन विद द हेल्प ऑफ 4 to 5 cloves। यानी बेसमल सॉस के लिए मैं दूध, तेज पत्ता, लौंग और प्याज चाहिए। कुछ इस तरह से हमें पियर्स करके बनाना है। सो गाइस, अब ये जो हमने अनियन, तेज पत्ता और क्लोव ली थी, इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा मिल्क में और एक अच्छा सा बॉयल इसमें हम दे देंगे। सो गाइस, यहाँ पे बेसमिल सॉस हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है यानी वाइट सॉस। अब हम करेंगे इसको दूसरे बर्तन में अच्छे से स्ट्रेन। सो अनियन, बे लीफ और क्लोव्स ने अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। नाउ इन द सेम पैन आई एम गोना टेक 1 tablespoon ऑफ ऑलिव ऑयल, 1/2 teaspoon ऑफ गार्लिक पेस्ट और हम इसे कर लेंगे अच्छे से स्टर। हाँ, क्या फ्लेवर आ रहा है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और गार्लिक पेस्ट का। और अब बारी है इसमें हमारे बाइंडिंग एजेंट रू डालने की, जो हमने बटर और मैदा से बनाया था। और अब बारी है इसमें धीरे धीरे दूध डाल के और फिर मिक्स करने की, अच्छे से होना हाई फ्लेम वी गोना विस्क इट। सो गाइस, यहाँ पे हमारी सॉस अच्छे से थिक होनी शुरू हो गई है। नाउ वी गोना ऐड डैश ऑफ वाटर एंड अगेन वी गोना विक्स बिस्किट। नाउ वी गोना ऐड द जेम ऑफ एवरी इटालियन क्यूजींस, रेड चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगानो। इसकी मैंने कोई क्वांटिटी नहीं स्टेट करी है क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 या 2 tablespoons डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो यू कैन स्किप इट ऑल्सो। नाउ वी गोना ऐड आर पार्बॉइल्ड वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने मशरूम्स, ब्रोकली एंड अमेरिकन स्वीट कॉर्न ली है। आप चाहें तो बेल पेपर्स भी ले सकते हैं, कैरेट्स अगर आपको पसंद है वो भी ले सकते हैं, एनी थिंग यू वॉन्ट राइट यू कैन ऐड। नाउ वी गोना ऐड सॉल्ट। सॉल्ट की क्वान्टिटी आप थोड़ा देख के डालिएगा क्योंकि वेजिटेबल्स में भी पहले से सॉल्ट है। और अब बारी है इसमें पास्ता डालने के लिए। मैंने पास्ता पहले से बॉयल कर लिया है एंड हेयर आई एम यूजिंग स्पायरल पास्ता। इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड एनी काइंड ऑफ शेप लाइक मैक्रोनी, स्पेगेटे, पेने, फ्यूटुचिनी, फ्यूसले, जो आपकी दुकान मिले प्लीज़ डालो यार। सो एज यू कैन सी आवर वाइट सॉस पास्ता इज एब्सोल्युटली रेडी। नाउ आई एम गोना पोर इट इन अ बोरोसिल ग्लास बाउल
There we go. Look how rich and creamy is it. And now we're gonna garnish it with some oregano. And optional red chili flakes. A drizzle of olive oil. सो गाइस ये रेसिपी थी अबाउट वाइट सॉस पास्ता. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ जाइए और अपने पड़ोसियों के फ़ोन से ऐसे सब्सक्राइब कीजिए. सो गाइस आज के लिए इतना ही. मैं चाहता हूँ कि फादर्स डे पे प्लीज़ आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई करें, अपने अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ और स्पेशली फादर्स के साथ इन्जॉय करें ऑन द ओकेजन ऑफ फादर्स डे. सो आज के लिए बस इतना ही और मैं ज़रूर हाजिर हूँगा किसी एक अच्छी वीडियो के साथ. फिर तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद My channel. Thank you.